हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन मैट्रिक्स क्लासेस। बेटा माई सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय, आज जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, वो टॉपिक है आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म का कंटिन्यू वाला पार्ट। फोरियर ट्रांसफॉर्म में अभी तक अपन ने फॉर्मूले डिस्कस कर लिए और फॉर्मूलों के बारे में पूरी डिटेल देख ली। अपन ने फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला देखा, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म देखा, फिर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म देखा, फिर फोरियर इंटीग्रल फॉर्मूला देखा और सबका एक एक पैटर्न का क्वेश्चन देख चुके हैं, ठीक है, पार्ट नंबर वन में। अभी अपन पार्ट नंबर टू डिस्कस करेंगे और इसके अंदर अब देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। तो पहली बात बेटा ध्यान से देखना, इनवर्स वाले फॉर्मूले भी अपन ने देख लिए थे कि डीएस 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 लगाना होता है। अब सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन, इस इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करना है जीरो से इन्फानाइट एफ एक्स कॉस लेमडा एक्स डी एक्स ई की पावर माइनस का लेमडा दे रखा। यानी अगर मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब अननोन चीज़ सिर्फ इकलौती यही है एफ एक्स जिसको मेरे को निकालना है। एफ एक्स कहाँ निकलता है? इनवर्स कोसाइन ट्रांसफॉर्म। कोसाइन क्यों सोचा गया? क्योंकि पीछे कॉस की टर्म है। कोसाइन क्यों सोचा गया बेटा? क्योंकि पीछे किसकी टर्म है? कॉस की टर्म है। तो आप इसके अकॉर्डिंग काम करो। ऐसे आपको पता लगाया कि फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का इनवर्स वाला लगेगा क्योंकि निकालना आपको एफ एक्स है, ठीक है। तो पहले इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाया, इनवर्स वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो जो मिल रहा था वो अप्लाई करा। अंडर रूट टू बाई पाई एफ जीरो से इन्फिनिट एफ सी ऑफ एस कॉस एस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर एफ सी ऑफ एस मेरा अननोन है, इसकी वैल्यू कहाँ से निकालूंगा? नॉर्मल कोसाइन ट्रांसफॉर्म करके, सी टी मतलब कोसाइन ट्रांसफॉर्म करके निकालूंगा। तो कोसाइन ट्रांसफॉर्म में मतलब यहाँ बेटा यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा। तो कोसाइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई करो, अंडर रूट टू बाई पाई जीरो से इन्फानेट एफ सी ऑफ एस सॉरी एफ एक्स कॉस एस एक्स डी एक्स। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है पूरी की पूरी ई की पावर माइनस का लैम्डा, इसको उठा करके सीधा प्लेस कर दिया इस पूरे की जगह। अगर मैं एस की जगह क्या प्लेस कर दूं? लैम्डा। तो मैंने एस की जगह लैम्डा प्लेस कर दिया और क्वेश्चन में से उसको उतार दिया एज इट इज़, को यहाँ पर उतार दिया ई की पावर माइनस का लैम्डा। तो ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी? एफ सी ऑफ किसकी? लैम्डा की। कोई दिक्कत तो नहीं है, आया अच्छे से। अब इसकी वैल्यू को उठा करके बेटा प्लेस कर दो, ये यहाँ पर प्लेस कर दो। ये मैंने बताया भी एरो से कि अपन किस तरीके से उसको प्लेस कर सकते हैं, वो प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो वैल्यू अब मैं क्या कर रहा हूँ? प्लेस कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, ये आपने पूरी वैल्यूज क्या कर दी? प्लेस कर दी। यह एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट टू बाई पाई, फिर डाला एफ सी ऑफ एस की जगह अंडर रूट टू बाई पाई ई की पावर माइनस का लेमडा कॉस लेमडा एक्स और डी लेमडा। ई की पावर माइनस का लेमडा टू रूट टू बाई पाई बाहर निकाला तो टू अपॉन पाई करके बाहर हो गया वो आपका टू बाई पाई ई की पावर माइनस का लेमडा कॉस लेमडा एक्स डी लेमडा। अब बेटा वही कल वाला फॉर्मूला ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस का बी साइन बी एक्स। अब ए कौन है? जो लेमडा के साथ आ रहा है वो ए है, जो लेमडा के साथ आ रहा है वो क्या ए है। तो ए की वैल्यू माइनस वन, बी की वैल्यू कितनी हो गई एक्स, ए की वैल्यू कितनी हो गई माइनस वन। देखो एक्स कांस्टेंट है बेटा यहाँ पर, ध्यान रखना क्योंकि लेमडा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। फिर एक बार अपर लिमिट ई की पावर माइनस इन्फिनिट जीरो, फिर लोअर लिमिट ई की पावर जीरो वन, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर कॉस जीरो प्लस का एक्स साइन जीरो कर दिया। कॉस जीरो की वैल्यू वन, साइन जीरो जीरो, तो ये आ गया इस, ये आ गई किसकी वैल्यू? एफ एक्स की वैल्यू। और यही आपको क्या करना था? निकालना था, ठीक है। हुआ बहुत इजी है, सिर्फ ध्यान से क्वेश्चन को देखना और काम करना है। कई बार आया हुआ एग्जाम का क्वेश्चन है ये, है ना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, एक्सप्रेस द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू टू अपॉन पाई साइन एक्स जीरो से पाई तक के बीच में और एक्स ग्रेटर देन पाई जब जीरो है तब, ठीक है। तो बेटा क्या करना है? एज अ फोरियर साइन एफ फॉर फोरियर, फोरियर साइन इंटीग्रल यानी फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म लगाना है और फिर इवेल्युएट करना है वही साइन साइन के टर्म में। तो इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म लगा करके इसको इवेल्युएट करना है। यानी पहले एफ एस ओ एस निकालेंगे, अंडर रूट टू बाई पाई फॉर्मूला लगाया एफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू प्लेस कर दी टू अपॉन पाई साइन एक्स साइन एस एक्स। बेटा पाई को तो बाहर निकाल देना, टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस का कॉस कितना? ए प्लस का बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी लगा दिया। इसमें से एक्स कॉमन ले लिया, इसमें से भी एक्स कॉमन ले लिया, कॉस का इंटीग्रेशन किया बेटा, साइन आएगा साइन वन माइनस एस एस इंटू एक्स अपॉन वन माइनस एस। सिमिलरली साइन वन प्लस एस अपॉन वन प्लस का एस हो गया। अपर लिमिट पुट कर देना बेटा, पुट कर दी पाई पाई, पाई को अंदर भेज दो तो साइन पाई माइनस का पाई है, साइन पाई प्लस का पाई है, साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा साइन 180 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा। तो ये बाहर जो माइनस था वो अब प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस का होगा, साइन पाई एस को बाहर कर देना, है ना। वन अपॉन वन माइनस एस प्लस वन अपॉन वन प्लस एस कर दिया, एलसीएम लिया वन प्लस एस अपॉन वन माइनस प्लस वन माइनस एस अपॉन वन माइनस एस स्क्वायर, ठीक है। कट गए, ये आ गया। अब ये आ गई एफ एस ऑफ एस, एस की वैल्यू मुझे तो ये चार नंबर मेरे यहाँ पर आ जाएंगे फोरियर साइन इंटीग्रल के। अब मुझे बस आगे का थोड़ा सा काम और करना है, इनवर्स वाला निकालना है। तो लग जाएगा एस की जगह लैम्डा पुट कर देना कि क्वेश्चन में लैम्डा है। तो इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म लगाया एफ एक्स
अंडर टू बाई पाई एफ एस ऑफ एस साइन एस एक्स डी एस, एस की जगह लेमडा डाल दो कि क्वेश्चन में लेमडा की रिक्वायरमेंट है, ऐसे पुट कर सकते हो क्योंकि क्वेश्चन में लेमडा की रिक्वायरमेंट है आपके पास। तो आपने डाल दिया एफ एस ऑफ एस की वैल्यू टू बाई पाई अंडर रूट टू बाई पाई साइन पाई लेमडा वन माइनस लेमडा स्क्वायर साइन लेमडा एक्स डी लेमडा, इसको बाहर निकाल दिया फोर अपॉन पाई स्क्वायर करके ये बाहर आ गया जीरो से इन्फिनिट साइन पाई लेमडा। अब देखो ये क्वेश्चन बन चुका है, देखो बन गया साइन पाई लेमडा साइन एक्स लेमडा वन माइनस लेमडा स्क्वायर डी लेमडा, बना नहीं बना, बस एक बार एक क्वेश्चन बन गया तो बस अब इसको पाई स्क्वायर उधर भेज देना, ये वाली टर्म इधर भेज देना पूरी फोर बाय पाई को, तो पाई स्क्वायर अपॉन फोर एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी थी टू अपॉन पाई साइन एक्स, पुट कर दिया टू से टू कैंसिल पाई से पाई कैंसिल पाई बाय टू साइन एक्स आ गया। ठीक है, वेरी इजी, बहुत ध्यान से करोगे ना तो बहुत अच्छे से हो जाएंगे ये क्वेश्चन, है ना। ओके, इसके बाद जो अपन डिस्कस करेंगे वो एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे बेटा, बस वही बची हुई है, कुछ क्वेश्चन दूंगा मैं, उन क्वेश्चन को ट्राई करना, एक दो क्वेश्चन और हैं बाकी, फिर बस एप्लीकेशन ही बची है इसके अंदर, इसको बहुत अच्छे से कर लो, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके।